इस कलाम को हम पेश कर सके, आप तक पहुंचा सके। थैंक यू वेरी मच। हम मेरा नाम काशिफ है, परिवार का नाम शाजी काशिफ। आप सबको मेरी आवाज आ रही है? हाँ जी। खुदावन का शुक्र हो कि खुदावन ने हमें ये मौका अदा किया है। हम अपनी रहनमाई के लिए खुदावन के कलाम में से जिन जिन आयात को हमने हमारी मरकजी आयात है वो 91 जबूर और उसकी 13, 14, 15 और 16 है को हम रीड करेंगे शाजिया के साथ मिलकर। लास्ट 3 verses चूंकि उसने मुझसे दिल लगाया है इसलिए मैं उसे छुड़ाऊंगा, मैं उसे सरफराज करूंगा क्योंकि उसने मेरा नाम पहचाना है। वो मुझे पुकारेगा, मैं उसे जवाब दूंगा, मैं मुसीबत में उसके साथ रहूंगा, मैं उसे छुड़ाऊंगा और इज्जत बख्शूंगा, मैं उसे उम्र की दराजी से आसूदा करूंगा और अपनी निजात उसे दिखाऊंगा। आमीन। आमीन। खुदावन का शुक्र हो इस कलाम के लिए जो पढ़ा गया है। हम अपनी रहनमाई के लिए खुदावन के कलाम में से जिस आयात को हमने अपनी जिंदगी में लेना है वो है क्योंकि उसने मुझसे दिल लगाया है। अगर हम खुदावन से दिल लगाते हैं तो खुदावन हमारे लिए सब कुछ करता है। हम सर इस दुनिया में रहते हुए लोग बहुत सी चीज़ों से दिल लगाते हैं, जैसा कि लिखा हुआ बहुत सी चीज़ों से दिल लगाते हैं, जैसा लोग अपनी वाइफ से दिल लगाते हैं। मतलब कह सकते हैं कि दिल लगाने का मतलब यह है कि दो चीज़ों की आपस में अटैचमेंट, दो लोगों की आपस में अटैचमेंट। अटैचमेंट जैसे लोग अपनी बीवी से दिल लगाते हैं, जैसे लोग बहुत से लोग अपने गर्लफ्रेंड से दिल लगा लेते हैं और बहुत सारा टाइम उनके साथ गुजारते हैं। आज इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है और लोग ज़्यादातर लोग तो वैसे मोबाइल के साथ अपना दिल लगाते हैं, बहुत सारा टाइम अपना मोबाइल को दे देते हैं, अपनी वाइफ को टाइम नहीं देते, अपने माँ बाप को टाइम नहीं देते उस हिसाब से, और खुदा को टाइम नहीं दे सकते, सबसे ज़्यादा टाइम अपने मोबाइल को दे देते हैं। हम अगर देखते हैं तो जब हम इन दुनियावी चीज़ों के साथ दिल लगाते हैं तो हमें उससे कुछ, चाहे अपने बच्चों के साथ दिल लगाते हैं या बीवी के साथ, कुछ फ़ायदा मिलता है लेकिन बहुत सा फ़ायदा नहीं मिल सकता। लेकिन जब हम खुदा के साथ दिल लगाते हैं तो खुदा हमें बहुत सा फ़ायदा दे देते हैं। खुदा का शुक्र हमेशा फ़ायदा ही रहता है हमारी ज़िंदगी में, कोई नुकसान नहीं रहता। जब हम क्योंकि खुदा के कलाम में लिखा है जो अपनी माँ और बाप को मुझसे ज़्यादा अजीज़ रखता है तो वो मेरे लायक नहीं। खुदावंद ने तो माँ बाप के बारे में बताया कि कोई भी चीज़, इवन माँ बाप भी, अगर माँ बाप से भी दिल लगाते हैं ज़्यादा, अपने माँ बाप को ज़्यादा तरजीह देते खुदा से ज़्यादा, तो खुदा कहता है वो मेरे लायक ही नहीं है। इसका मतलब है कि हमने, क्योंकि उसने मुझसे दिल लगाया इसलिए मैं उसे छुड़ाऊंगा, क्योंकि खुदा के कलाम में लिखा हुआ है। अगर हम कलाम को आगे देखते हैं, कलाम में लिखा हुआ है आए हम खुदा के वादों को देखते हैं, खुदा के वादे के बारे में सीखते हैं दिल लगाने से। दिल लगाने का क्या फ़ायदा है? इसलिए हम उसे, खुदा के कलाम में लिखा मैं उसे छुड़ाऊंगा और इज्जत बख्शूंगा। दानियल नबी की किताब में हम देखते हैं, दानियल नबी की किताब उसका 6 बाब उसकी आखिरी आयत में, उसकी फुल बाब है लेकिन फुल बाइबल, लेकिन हम उसमें से कुछ आयात को कोट करेंगे। जैसा दारा बादशाह के बारे में लिखा है, दारा बादशाह की ममलिकत में तकरीबन 120 नाजम थे और 3 उनके वजीर थे, उन वजीरों में से एक दानियल नबी था। दानियल नबी बहुत समझदार था और वो एक उसमें एक फाजल रू थी। अगर उस देखें बहुत समझदार था और खुदा का वफादार था क्योंकि उसका दिल खुदाओं से लगा हुआ था, इसलिए वो उन सब में से सबकत ले गया क्योंकि वो समझदार था और खुदाओं का खुदाओं से प्यार करने वाला था। दानियल नबी की बात हम कर रहे हैं और इसलिए हम उसमें सीखते हैं कि दानियल नबी बहुत समझदार था। उन सब में से जब वो उसको ज़्यादा इज्जत मिलती थी तो बाकी वजीरों को और नाजमों को उससे कुछ मतलब जलन सी होने लगी। जब जलन होने लगी तो उन्होंने एक प्लान बनाया, उन्होंने दारा बादशाह के पास गए, वो सारे इकट्ठे होके दारा बादशाह के पास चले गए। उन्होंने बोला दारा बादशाह अब तक जीता रहे और उन्होंने उसने कहा कि एक आयन मुकर्रर कर दे कि 30 रोज तक कोई आदमी किसी मबूद के सामने सजदा ना कर सके, क्योंकि उसका अभी दानियल नबी को पता लग गया कि इन्होंने उस जो आयन था उसके ऊपर उन्होंने एक स्टैंप करवा ली है। जब उन्होंने स्टैंप करवा ली तो उसने देखा कि इन्होंने तो स्टैंप करवा ली है, उन्होंने उसके ऊपर लिखा हुआ था कि जो कोई भी उस बादशाह के अलावा किसी और को सजदा करेगा तो उसको आग की भट्टी में डाल दिया जाएगा, शेरों की मान में डाल दिया जाएगा। तो
उन्होंने देखा कि बादशाह, हाँ जी, जब दानियल नबी ने देखा और स्टैंप लग गई कि कोई भी अगर 30 रोज तक अगर इस बादशाह को के हजूर दरख्वास्त नहीं करेगा और किसी गैर माबूद के आगे दरख्वास्त करेगा या किसी गैर माबूद को मानेगा, तो हम उसकी जो दरख्वास्त अगर वो किसी और से करेगा तो उसको शेरों की मांद में डाल दिया जाएगा। जबकि ये स्टैंप जो थी लग चुकी थी और दानियल नबी को पता भी था कि ये नविष्टा हो गया है, ये स्टैंप लग चुकी है, तब भी वो खुदावन के हजूर दुआ करता और हर रोज उसकी मामूल के मुताबिक जिस तरह पहले वो घुटने टेकता और दुआ करता था और खुदावन की शुक्रगुजारी करता था, इसी तरह अभी भी वो डरा नहीं, खौफ नहीं खाया, बल्कि वो खुदावन की शुक्रगुजारी करता रहा और खुदावन के हजूर दुआ करता रहा और उसने परवाह नहीं की लोगों की, उसने परवाह नहीं की कि मैं शेरों की मांद में डाल दिया जाऊंगा, लेकिन फिर भी वो बादशाह के अपने खुदावंद अपने खुदा के हुजूर दुआ करता रहा और उसका मामूल था कि वो अपनी कोठरी में दरीचा खोलता और यरूशलम की तरफ अपना रुख करके दुआ करता था और वो हस्बे मामूल ऐसे ही करता रहा। जब उन लोगों ने देखा कि वो दुआ करता है और वो अपने खुदा के हजूर दुआ करने से बाज नहीं आया, हम इसमें कोई कसूर भी साबित नहीं कर पाए, और वो फिर बादशाह के हजूर गए और उन्होंने कहा कि ऐ बादशाह, ये तो अभी भी खुदावंद अपने खुदा की इबादत करता है, अभी भी ये अपनी दरख्वास्तें खुदावंद अपने खुदा के हजूर लेकर जाता है, अभी भी ये खुदा डरा नहीं है, इसने खौफ नहीं खाया, बल्कि हर रोज ये मामूल के मुताबिक दुआ करता है, हर रोज रूटीन में ये खुदावंद अपने खुदा को सजदा करता है, ये दारा बादशाह के पास नहीं जाता बल्कि अपने खुदा के हजूर अपने घुटने टेकता है और ये अपनी कोठरी में हमेशा की तरह फिर यरूशलम की तरफ रुख करके ये दुआ करता, शुक्रगुजारी करता और अपनी दुआओं और इल्तमास को खुदावन के हुजूर पेश करता। और जब उन्होंने देखा कि हम इसको इस तरह फंसवा सकते हैं या उन्होंने प्लान बनाया और जब वहां पर गए और दारा बादशाह को बताया कि ये तो अपने माबूद से दुआ करता है, अपने माबूद से दरख्वास्त करता है, तो और उन्होंने कहा कि अपने तू जिस तरह तूने साइन किया है, तूने आइन के मुताबिक साइन किया हुआ है, उसी तरह इसको शेरों की मांद में डाल दे। क्योंकि बादशाह जो था वो उससे उसका लगाव था, वो चाहता था कि इसको मुताद बनाया जाए। बादशाह रंजीदा हुआ, बादशाह परेशान हो गया, क्योंकि वो स्टैंप कर चुका था और वो अपने अब उससे फिर नहीं सकता था, अपना जो उसने आइन मुकरर कर दिया था उससे फिर नहीं सकता था। तो फिर उसने कहा कि मैं क्यों ना इसको, जब सारी रात दिन वो परेशान रहा और कोशिशें करता रहा, अपनी तरफ से उसने कोशिश की कि ये बचाया जाए लेकिन कुछ ना हो सका, तो फिर उसने कहा कि ऐ दानियल बादशाह, मैं ईमान रखता हूँ कि तेरा खुदा जिसकी तू इबादत करता है वो तुझे बचाने की कुदरत रखता है। आइए हम इस कलाम में से सीखते हैं कि बादशाह का रिएक्ट क्या था, हम इस कलाम के वसीला से हम सीखेंगे। दानियल 6:14 उसकी 14 आयत। जब बादशाह ने ये बातें सुनी तो रंजीदा हुआ और अब उसने अपने दिल में चाहा कि दानियल को छुड़ाए और सूरज डूबते तक उसके छुड़ाने में कोशिश करता रहा। फिर ये लोग बादशाह के हजूर फराहम हुए और बादशाह से कहने लगे, ऐ बादशाह, तू समझ ले कि मादियों और पारसियों का आइन यूं है कि जो फरमान और कानून बादशाह मुकरर करे कभी नहीं बदलता। और फिर ये फिर दोबारा 16वीं आयत में हम देखेंगे, तब बादशाह ने हुक्म दिया और वो दानियल को लाए और शेरों की मांद में डाल दिया गया और बादशाह ने दानियल से कहा, तेरा खुदा जिसकी तू इबादत हमेशा इबादत करता है तुझे छुड़ाएगा। यहाँ हमने खुदावन के कलाम में से पढ़ा है कि उसने भी ईमान रखा कि जो तेरा खुदा है जिसकी तू इबादत करता है वो तुझे छुड़ाएगा। और जब इसको शेरों की मांद में डाल दिया गया तो बादशाह सारी रात परेशान रहा। अगली आयत में आप तैयारी करना कि किस तरह वो शेरों की मांद में डाल दिया गया और बादशाह सारी रात फाके में रहा। उसने जो म्यूजिक सुनता था उसने म्यूजिक तरक कर दिया और उसने पूरी रात वो फाके में रहा और परेशान रहा कि वो शेरों की मांद में डाल दिया गया है। और फिर हम अगली 19वीं आयत में देखते हैं, और बादशाह
सुबह सवेरे उठा और जल्दी से शेरों की मांद की तरफ चला, और जब मांद पर पहुंचा तो गमनाक आवाज से दानियल को पुकारा, और बादशाह ने दानियल को खताब किया करके कहा, ए दानियल, जिंदा खुदा के बेटे, क्या तेरा खुदा जिसकी तू इबादत, तू हमेशा इबादत करता है, कादिर हुआ कि तुझे शेरों से छुड़ाए? हम 21वीं आयत को भी पढ़ेंगे। तब दानियल ने बादशाह से कहा, ए बादशाह, अब तक जीता रहे, मेरे खुदा ने अपने फरिश्ता को भेजा और शेरों के मुंह बंद कर दिए, उन्होंने मुझे जरर नहीं पहुंचाया, क्योंकि मैं खुदावन के हजूर बेगुनाह साबित हुआ, तेरे हजूर भी ए बादशाह मैंने खता नहीं की। यहाँ पर भी हम देखते हैं कि दानियल नबी जो है शेरों की मान में से बचाया गया, क्योंकि उसका दिल खुदा के साथ था, क्योंकि उसने अपना दिल खुदा के साथ लगाया था और वो शेरों की मांद में डाल दिया गया, तब भी शेरों ने उसे जरा ना पहुंचाया, बल्कि खुदावन ने अपना फरिश्ता भेजकर उसे बचाया, क्योंकि खुदावन हमें छुड़ाने की कुदरत रखता है। जिसका दिल खुदा के साथ है, खुदा उसे छुड़ाता और रिहाई बख्शता है। हम ईमान रखते हैं कि हमारा खुदा भी हमें छुड़ाने की कुदरत रखता है। जब हम अपना दिल खुदावन के साथ लगाते हैं तो खुदावन हमारा खुदा हमें छुड़ाता है, वो हमें रिहाई देता है। जिस तरह दानियल को खुदा बचाने के लिए आया, हमारा खुदा हमें भी बचा सकता है और वो बचाने की कुदरत रखता है। यहाँ पर बादशाह बहुत, अगली आयत में देखें तो बादशाह बहुत शादमान हुआ कि वो बचाया गया है, वो रिहाई पा चुका है। शिकायत करने वालों का जो हाल हुआ इस आखिरी आयत में लिखा हुआ है कि उनको शेरों की मांद में डाल दिया गया, जिन्होंने शिकायत की थी और उनकी हड्डियों तक का पता नहीं चला, क्योंकि उनके साथ खुदावन नहीं था। लेकिन जिसके साथ खुदावन इसराइल का खुदा होता है, वो कभी शर्मिंदा नहीं हो सकता, क्योंकि उनका खुदा उन्हें बचाने की कुदरत रखता है। हम इस आयत में जो कि 91 की आयत है, हम इसमें 14 आयत में पढ़ा है कि खुदावन उसे छुड़ाएगा, और दानियल को खुदावन ने उसे छुड़ाया, और हम इसमें साबित पढ़ते हैं कि खुदावन ने अपनी मोहब्बत को साबित किया इसमें कि खुदावन छुड़ाता है। हर मुश्किल में, हर परेशानी में, हर दुख में खुदावन हमें छुड़ाने की कुदरत रखता है। यहाँ पर हम फिर अगली आयत में देखेंगे कि खुदावन का कलाम हमें क्या कहता है। हम दोबारा 91 वर्स की तरफ चलेंगे, 91 ज़बूर की तरफ चलेंगे कि अगली आयत से हम क्या सीखेंगे। मैं उसे सरफराज करूंगा क्योंकि उसने मेरा नाम पहचाना है। खुदावन सरफराजी हमें खुदावन से मिलती है, क्योंकि खुदावन में खुदावन के नाम से ही सरफराजी है। सरफराजी हम यूसुफ के सबको सब जानते हैं तकरीबन, और यूसुफ जो था वो खुदावन का नबी था, और यूसुफ जो था बचपन से जब उसके भाई उसे जेलस करते थे, उसके साथ हसद करते थे, और जब उन्होंने देखा कि ये हमसे ज्यादा जाता है, हमसे ज्यादा ऊपर जाता है, तो यूसुफ जो था, यूसुफ को उन्होंने बेच दिया और वो मिस्र पहुंचाया गया, और वो हर बार खुदावंद उसको सरफराज करता। तो वहां लिखा है कि खुदावंद उसके साथ साथ चलता था, क्योंकि खुदावंद का दिल उसके साथ लगा था, उसने अपना दिल खुदावंद को दिया था और खुदावंद के हजूर हर रोज दुआ करता था, उसका दिल खुदावंद के साथ था, इसलिए हर बार उसे खुदा सरफराज करता था। हम सीखते हैं काशिप के साथ। हाँ जी, जब यूसुफ को फोतीफोर के घर में पहुंचाया गया तो उसके ऊपर इल्जाम लगे, जब इल्जाम लगे तो भी खुदावंद ने उसे सरफराज किया, उन सारे इल्जामों से खुदावंद ने उसे बरी कर दिया। खुदावंद का शुक्र हो क्योंकि खुदावंद ही सरफराजी अता करता है। जब हम देखते हैं कि वो उसको कैद खाना में डाला गया तो जब वहां भी उसको खुदावंद ने सरफराजी अता की, और जब हाँ जी दरोगा ने उसे जब वो कैद खाना में डाला गया इल्जाम के बाद, जब कैद खाना में डाला गया तो दरोगा के हुजूर भी वो मकबूल ठहरा, क्योंकि उसने अपना दिल खुदावन के साथ लगाया था, और वहां पर भी वो सरफराज हुआ, वहां पर भी वो मकबूल हो गया। और जब हम आखिरी आयात में जो के यूसुफ का अगर हम पढ़ें पैदाइश की किताब में, तो यूसुफ का जब हम पढ़ते हैं 39 बाब में कि यूसुफ जो है उस वक्त भी बचाया गया, यूसुफ को जब सरफराज किया जाता है, जब वो ख्वाबों की ताबीर करता है, ख्वाबों की ताबीर की करता है, और तब वो हाकिम बनाया जाता है, बादशाह के जूर से ले जाया जाता
करता है कि ये ताबीर करता है, और उसने बादशाह को ख्वाबों की ताबीर बताई तो तब वो सरफराज किया जाता है और वो हाकिम बनाया जाता है। हम अपनी जिंदगी में भी देखें कि जब जब खुदावंद हमारे साथ होता है तो हम सरफराज किए जाते हैं। हम 75 जबूर की 75 बाप की आयत में देखते हैं, छेवी आयत में देखेंगे, जबूर 75 की छेवी आयत में, 75 बाप की, छठी आयत में, क्योंकि सरफराजी ना तो मशरिक से ना मगरिब से और ना जनूब से आती है, बल्कि खुदा ही अदालत करने वाला है, वो किसी को पस्त करता और किसी को सरफराजी बख्शता है। यहाँ हम खुदावन के कलाम में देखते हैं कि सरफराजी ना तो मशरिक से आती है और ना मगरिब से आती है, बल्कि खुदावन ही सरफराज करता है। जो खुदावन के साथ दिल लगाते हैं, खुदावन उन्हें सरफराज करता और उन्हें बहाल करता है। खुदावन ही उन्हें पस्ती से उठाकर ऊपर ले जाता है, क्योंकि खुदावन उनके साथ साथ रहता है। खुदावन की कुदरत चूंकि यूसुफ के साथ थी, यूसुफ हर बार सरफराज किया जाता, यूसुफ हर बार अप होता, क्योंकि खुदावन उसके साथ था। हम 91 में दोबारा जाएंगे, 91 की अगली वर्स में सीखेंगे। पंद्रहवीं आयत में, वो मुझे पुकारेगा और मैं उसे जवाब दूंगा। हम यहाँ पर वो मुझे पुकारेगा और मैं उसे जवाब दूंगा। जब हम खुदावंद को पुकारते हैं तो खुदावंद हमें जवाब देता है। खुदावंद, आज हम इस आयत को सैमुएल नबी की किताब में हन्ना की मिसाल से सीखेंगे। पहला बाप उसकी 9 वर्ष से हम सीखेंगे। और जब वो सेला में खा पी चुके तो हन्ना उठी, और उस वक्त एली काहिन खुदावन की हैकल की चौखट के पास कुर्सी पर बैठा हुआ था, और वो नहाय दलगीर था। सो वो खुदावन से दुआ करने और जार जार रोने लगी, और उसने मन्नत मानी और कहा कि ऐ रबुल पास, अगर तू अपनी लौंडी की मुसीबत पर नजर करे और मुझे याद फरमाए और अपनी लौंडी को परामोश ना करे और अपनी लौंडी को फरजंदे नरीना बख्शे, तो मैं उसे जिंदगी भर के लिए खुदावंद को नजर कर दूंगी और उस तरह उसके सर पर कभी ना फिरेगा। और जब वो खुदावंद के हजूर दुआ कर रही थी तो एली उसके मुंह को गौर से देख रहा था, और हन्ना तो दिल ही दिल में कह रही थी, फक्त उसके होंठ हिलते थे पर उसकी आवाज नहीं सुनाई देती थी। बस एली को गुमान हुआ कि वो नशे में है। सो एली ने उससे कहा कि तू कब तक नशे में रहेगी, अपना नशा उतार। हन्ना ने जवाब दिया, नहीं है मेरे वाले, मैं तो गमगीन औरत हूँ, मैंने ना कोई नशा पिया, बल्कि खुदावन के आगे अपना दिल उंडेला है। तू अपनी लौंडी को कभी औरत ना समझ, मैं तो अपनी फिक्रों और दुखों के हजूम के बाइस अब तक बोलती रही। तबेली ने जवाब दिया, तू सलामत जा, इसराइल का खुदा तेरी मुराद जो तूने उससे मांगी है पूरी करे। उसने कहा, तेरी कातमा पर तेरे कर्म की नजर हो। तब औरत चली गई और खाना खाया, और फिर उसका चेहरा उदास ना रहा। यहाँ हम हन्ना के बारे में सीखते हैं कि हन्ना जो खुदावन की बंदी है वो रोजे की हालत में है, वो फाका की हालत में है, और वो बे औलाद है, और वो अपनी फरियाद लेकर, जैसा कि हमने 91 वर्स में पढ़ा है कि तू मुझे पुकारेगा और मैं तुझे जवाब दूंगा, इसी तरह हन्ना ने खुदावंद अपने खुदा को पुकारा। हन्ना ने खुदावंद अपने खुदा से दुआ की, वो किसी गैर माबूद के आगे नहीं गई, बल्कि उसने अपना दिल खुदावंद के साथ लगाया और अपने दिल को खुदावंद के आगे उंडेल दिया, और कहा कि ऐ खुदावंद, तू मुझ पर करम की नजर कर, तू मुझे जो बेटा अता करेगा, फरजंदे नरीना अता करेगा, वो मैं तेरी राह के लिए दे दूंगी, वो मैं तुझे ही दे दूंगी, वो जिंदगी भर तेरे खुदावंद तेरी नजर कर दूंगी। उसने मन्नत मान ली और अपने दिल में खुदावंद के साथ
अहद कर लिया कि मैं यकीनन ये बेटा जो है मैं खुदावंद अपने खुदा ही को अता कर दूंगी। उसने अपने दिल में रखा क्योंकि उसका दिल खुदावंद के साथ था। उसने बार बार उसने अपने आंसू जो थे अपने खुदावंद के हजूर बहाए, क्योंकि जब हम इंसान होते हुए हम इंसानों के साथ अपनी बातें शेयर करते हैं, लेकिन वो किसी के साथ ना अपने हस्बैंड के साथ ना किसी के साथ, बल्कि उसने अपने दिल को खुदावंद के हुजूर उंडेला और अपने दिल से खुदावंद अपने खुदा के हुजूर दुआ करती रही और कहती रही कि खुदावंद तू मुझ पर नजर कर। आज भी अगर कोई बे औलाद है तो खुदावंद अपने खुदा से दुआ करे, अपना दिल खुदावंद के हुजूर उंडेले और उससे दुआ करे, खुदावंद उसकी जरूर सुनता है। क्योंकि खुदावंद के कलाम में लिखा तू मुझे पुकारेगा और मैं तुझे जवाब दूंगा। जब हम खुदावंद अपने खुदा को पुकारते हैं तो खुदावंद यकीनन हमारी सुनता है, हमारा खुदा में जवाब देने की कुदरत रखता है। यहाँ मैं अपनी टेस्टिमनी पेश करूंगी कि जब मैं दुआ करती थी और मैं वेनिसडे का रोजा रखती और मैं खुदावंद अपने खुदा से मांगती कि खुदावंद तूने मुझे बेटियां अता की हैं, मैं तेरी शुक्रगुजारी करती हूँ कि तूने मुझे दो बेटियां अता की हैं, खुदावंद तू मुझ पर नजर कर और तू मुझे बेटा आता कर। मैं हर वेनिसडे खुदावंद के हजूर रोजा रखती और हर बार हन्ना के लिए हन्ना की तरह मैं कहती कि खुदावंद जैसे तूने हन्ना को सैमुएल दिया, हन्ना की दुआ रद्द नहीं हुई, मेरी दुआ भी रद्द नहीं होगी, मेरी दुआ पर भी तूफान लगाएगा। और हर वेनिसडे मैं खुदावंद के हजूर घुटने टेकती, अपने आंसू खुदावंद के हजूर पेश करती और कहती कि खुदावंद मेरा खुदा मुझ पर नजर करे। जब मैं हर बार ऐसे बुध के बुध रोजा रखती रही और जब 2018 में जब खुदावन के बंदा पास्टर कामरान दुआ कर रहे थे काशिफ के ऊपर, इनके स्टमक में प्रॉब्लम था तो इन्होंने कहा कि मेरी वाइफ भी मेरे साथ बैठी है। जब उन्होंने दुआ की और उन्होंने कहा कि आपकी वाइफ जो आपके साथ बैठी हुई है उनके ऊपर खुदावन ने अपनी नजर की है और खुदावन ने अपना फजल उस पर कर दिया है और खुदावन चाहता है, खुदावन ने जो फजल किया है खुदावन आपको बेटा देने को है। हम जिस तरह ईमान में रखती थी कि खुदावन अपनी कुदरत को जाहिर कर और खुदावन ने अपनी कुदरत को जाहिर किया और खुदावन ने 2018 में अपने जलाल को जाहिर किया और कहा कि खुदावन के खादिम ने कहा कि खुदावन तुझे बेटा देगा और उसका नाम मौजिज रखता। और जब मैं दुआ करती थी फिर भी मैं वेनिसडे का रोजा रखती और हर बार शुक्रगुजारी करती क्योंकि मैं जानती थी कि मुझे दुआ का जवाब मिल चुका है, मैंने जो मांगा खुदावन से खुदावन ने मुझे अता कर दिया। और मैं शुक्रगुजारी के रोजे रखती रही और 2019 में पहले महीने में जब खुदावन के बंदा पास्टर हारून ने मुझसे कहा कि खुदावन तुझे बेटा देने को है और जब मैं इस पर फिर भी और ज्यादा शुक्रगुजारी के साथ हर वेनिसडे फिर भी रोजा रखती रही और हर बार शुक्रगुजारी करती रही। और एक और खादिम जो कराची में है जो दुआ कर रहे थे सबके ऊपर दुआ कर रहे थे लेकिन मेरे ऊपर आकर रुक गए और कहने लगे कि खुदावन तुझे बेटा देने को है और खुदावन की प्रेजेंस तुझ पर है, खुदावन ने तुझ पर बहुत बड़ा फजल कर दिया और इसी साल के आखिर में खुदावन तुझे बेटा देगा। हालेलुया, मैं खुदावन का शुक्र करती हूँ कि खुदावन ने मुझे बेटा अता किया। और जिस तरह उसने कहा कि 10वें महीने में तेरे बेटा होगा, 10वें महीने में ही खुदावन ने मुझे बेटा दिया और मैं खुदावन के हुजूर शुक्रगुजारी करती हूँ। आज भी खुदावन के हुजूर शुक्रगुजारी करती हूँ, एक साल का होने वाला है लेकिन मैं शुक्रगुजारी करती हूँ और हर बार खुदावन से कहती हूँ ये ना मेरे जोर से है ना मेरी ताकत से है, ये खुदावन तेरी कुदरत है, खुदावन ये तेरी रहमत है जो तूने मुझ पर की है, मैं इस लायक ना थी लेकिन ये खुदावन तेरा फजल है, खुदावन तू मुझे देता है और ये तेरी कुदरत है। खुदावन हर बार मैं खुदावन का शुक्र करती रही, खुदावन ने जिस तरह हन्ना पर नजर की खुदावन ने मुझ पर भी नजर की और मैं खुदावन की शुक्र गुजार हूँ खुदावन ने मुझ पर नजर की है। हालेलुया, अब हम अगली आयत जो है कशिप के साथ पढ़ेंगे, 91 की अगली जो है हम कशिप के साथ मिलकर पढ़ेंगे। मैं मुसीबत में उसके साथ रहूंगा, मैं मुसीबत में उसके साथ रहूंगा। अगर हम पालूस और सलास पर नजर करते हैं तो जब वो बहुत मुसीबत में थे, जब वो कैदखाना में डाल दिए गए थे और उनके पाओं को बांध दिया गया था, खुदावन उनके साथ था क्योंकि उनका दिल खुदावन के साथ लगा हुआ था, इसलिए खुदावन ने उनको कभी अकेला नहीं छोड़ा। और जब उनको बहुत सारी मुसीबतें आईं
पर खुदावन ने उन्हें अकेला नहीं छोड़ा और उनको अपने खुदावन के साथ रहा। खुदावन ने कहा मैं उसे छुड़ाऊंगा और इज्जत बख्शूंगा। हम अगली आयत में देखेंगे पंद्रहवीं आयत के लास्ट जो लाइन है, मैं उसे छुड़ाऊंगा और इज्जत बख्शूंगा। हम दानियल नबी ही की किताब में 3:11-30 में मैं पढ़ूंगी नहीं, लेकिन आप घर जाके टैली करना, क्योंकि टाइम की कमी की वजह से मैं थोड़ा सा बयान करूंगी कि सदरक मेशक और अब्दुनजू जब आग की भट्टी में डाले गए, जब उन्होंने खुदावंद अपने खुदा को सजदा किया और बादशाह को सजदा ना किया तो वो आग की भट्टी में डाल दिए गए। और खुदावंद का कलाम हमें सिखाता है कि खुदावंद उन्हें आग की भट्टी में से भी बचाने की कुदरत रखता है। जैसे हम इस वर्ष में पढ़ते हैं कि खुदावंद उसे छुड़ाएगा और इज्जत बख्शेगा, यहाँ पर भी सदरक मिसक और अब्दुनजू ने जब खुदावंद को पुकारा और जब आग की भट्टी में डाल दिए गए और आग इतनी तेज थी कि वो झुलस सकते थे, लेकिन खुदावंद ने अपना जलाल जाहिर किया, खुदावंद ने अपनी कुदरत को जाहिर किया और आग की भट्टी में से उनको बचाने के लिए खुदावंद वहां पर आ मौजूद हुए। और खुदावंद का कलाम कहता है कि उनको कुछ जरर ना पहुंचा, खुदावंद उनको वहां भी बचाने के लिए अपनी कुदरत को जाहिर किया, क्योंकि उनका दिल खुदावंद के साथ था, क्योंकि उन्होंने खुदावंद को पुकारा था, क्योंकि वो खुदावंद से दिल लगा चुके थे, इसलिए उन तीनों को खुदावंद बचाने के लिए उतारा, जबकि वो तीन भट्टी में डाल दिए गए थे लेकिन वो नजर चार आ रहे थे, क्योंकि खुदावंद की प्रेजेंस वहां मौजूद थी, खुदावंद का अबर वहां ठहर चुका था, खुदावंद की कुदरत ने उन्हें घेरा हुआ था और वहां वो कुछ जरर ना पहुंचा, उन्हें कुछ भी जरर ना पहुंचा, क्योंकि खुदावंद उनके साथ था, क्योंकि उनका दिल खुदावंद के साथ था, खुदावंद की प्रेजेंस उनके साथ थी और उनके जिस्म पर कुछ भी खराश ना आई। और जब वो बाहर निकाल दिए गए तो खुदावंद ने फिर सर बुलंद किया और फिर सर प्रास कर दिया। खुदावंद का कलाम कहता है 3 में आखिरी वर्ष में पढ़ते हैं कि वहां पर वो सुबह बाबुल में सरफराज किए गए, क्योंकि खुदावंद ने उन्हें बचाया और खुदावंद ने उन्हें रिहाई बख्श दी, खुदावंद ने उन्हें छुड़ाया, ना सिर्फ छुड़ाया वहां पर इज्जत बख्श दी, खुदावंद ने उन्हें इज्जत बख्शी और सरफराज किया। ये खुदावंद की तरफ से था क्योंकि उनका दिल खुदा के साथ था, उनकी खुदावंद की प्रेजेंस उनके साथ मौजूद रही, खुदावंद उनके साथ रहा और खुदावंद उनको बचाने के लिए उतर आया। हम उससे अगली आयत पढ़ेंगे 16 आयत, फिर 91 बाप की जबूर 91 और 16 आयत को देखेंगे मैं उसे उमर की दराजी से आसूदा करूंगा और अपनी निजात उसे दिखाऊंगा। यहाँ हम यहाँ पे लिखा है कि खुदावंद उसे उमर की दराजी से आसूदा करेगा। हम यशायाह नबी की किताब के 38:1-6 में पढ़ेंगे, फिर हम इसको समझेंगे। यहाँ पर लिखा हुआ है उन्हीं दिनों में हिजकिय्याह ऐसा बीमार पड़ा कि मरने के करीब हो गया और यशायाह नबी आमोस के बेटे उसके पास आकर उससे कहा कि खुदावंद यूं फरमाता है कि तू अपने घर का इंतजाम कर दे क्योंकि तू मर जाएगा और बचने का नहीं। तब हिजकिय्याह ने अपना मुंह दीवार की तरफ किया और खुदावंद से दुआ की और कहा आए खुदावंद मैं तेरी मिन्नत करता हूँ, याद फरमा कि मैं तेरे हजूर सच्चाई और पूरे दिल से चलता रहा और जो तेरी नजर में भला है वही किया। और हिजकिय्याह जार जार रोया। खुदावंद का शुक्र हो क्योंकि देखें लिखा हुआ है मैं उसे उम्र की दराज से असुदा करूंगा और अपनी निजात उसे दिखाऊंगा। खुदावंद किसको उम्र की दराज से असुदा करेगा? जिसका दिल खुदावंद से लगा हुआ है और जिसने खुदावंद पर ईमान रखा है। अगली आयत 4 से भी हम पढ़ेंगे, तब खुदावंद का ये कलाम यशायाह पर नाजिल हुआ कि जा और हिजकिय्याह से कह कि खुदावंद तेरे बाप दाऊद का खुदा यूं फरमाता है कि मैंने तेरी दुआ सुनी और मैंने तेरे आंसू देखे, सो देख मैं तेरी उम्र 15 और बढ़ा दूंगा और मैं तुझको और इस शहर को शाये सूर के हाथ से बचा लूंगा और मैं इस शहर की हमायत करूंगा। आमीन। खुदावंद
का ये कलाम जब यसाया पर नाजिल हुआ और वहां पर हिजकिया बीमार था और हिजकिया के लिए खुदावंद का कलाम नाजिल हुआ और खुदावंद ने यसाया से कहा कि जा, हिजकिया बीमार है और उसको कह कि अपने घर का इंतजाम कर क्योंकि वो बीमार हो गया है और उसकी उम्र खत्म हो गई है और उससे कहा गया कि तू पहले ही इंतजाम कर ले, लेकिन वो अपना मुंह दीवार के साथ करके दुआ करने लगा क्योंकि वो खुदावन के हजूर चलता था। उसने याद करवाया कि खुदावन मैं सच्चाई के साथ चलता रहा हूँ, मैं तेरे हजूर दुआ करता रहा हूँ, मैं तेरे हजूर पूरे दिल से चलता रहा हूँ, खुदावन तू मुझ पर नजर कर और मुझ पर भला कर। और वो जार जार रोने लगा, वो खुदावन के हजूर अपनी फरियाद लेकर आया कि खुदावन मैं मरना नहीं चाहता, खुदावन तू मुझे जिंदगी अता कर, देख मैं तो चलता रहा हूँ, देख मैं तो खुदावन तेरे हजूर में रहा और मैंने अपना दिल तेरे साथ लगा रखा है। खुदावंद उसे बचाने के लिए आया और खुदावंद ने यसाया को वापस भेजा। फिर खुदावंद का यसाया पर कलाम नाजिल हुआ और खुदावंद ने कहा तेरे आंसू सुन लिए गए हैं, तेरी दुआ सुन ली गई है। और खुदावंद ने कहा कि खुदावंद तेरा खुदा जो है तुझे 15 बरस और देता है और खुदावंद ने उसकी उम्र को यहाँ दराज कर दिया। हालेलुया, क्योंकि खुदावंद हमारा खुदा उम्र को दराज करने की भी कुदरत रखता है। जो उसे दिल लगा लेते हैं खुदावंद उसे सरफराज करता है, खुदावंद उसे छुड़ाता है, खुदावंद उसे जिंदगी देता है। और यहाँ हम पढ़ते हैं खुदावंद उम्र की दराजी भी अता करता है क्योंकि खुदावंद के दाहिने हाथ में उम्र की दराजी है और खुदावंद के बाएं हाथ में इज्जत और दौलत, क्योंकि जब खुदावंद का हाथ आ जाता है तो उम्र की दराजी मिल जाती है। जो खुदा के साथ दिल लगाते हैं उनको उम्र की दराजी आती है और वो हमेशा भला उनके साथ होता है। और यहाँ भी इसकिया नबी जब जार जार रोया और खुदावंद इसके आंसू देख ना सका और खुदावंद ने इसके आंसुओं पर अपनी नजर की और खुदावंद ने अपना करम करके इसको जिंदगी बढ़ा दी, इसकी उम्र दराज हो गई और खुदावंद ने इस पर रहम कर दिया। और खुदावंद का शुक्र हो कि खुदावंद आज भी हम पर रहम करता है, क्योंकि आज भी हम मौत के मुंह से छुड़ाए जाते हैं, आज भी हमारी उम्र दराज हो जाती है, क्योंकि जब हम बीमारी के बिस्तर से उठाए जाते हैं तब भी खुदावंद आज भी अपना जलाल जाहिर करता है, क्योंकि खुदावंद कल आज और अब तक यकसा है। खुदावंद खुदा हमारा हमें उम्र की दराजी बख्शता है। आज हम एक टेस्ट मनी के जरिए से सीखेंगे कि क्या 2 साल पहले मेरी बेटी समाप को थोड़ा सा फीवर हो गया। 2-3 दिन गुजर गए, हमने उसको नॉर्मल मेडिसिन देते रहे लेकिन कुछ आराम ना आया। जब मैंने अपनी सिस्टर लोग को बोला कि इसकी ना ब्लड टेस्ट करवा लो, तो उन्होंने ब्लड टेस्ट करवाया और 1 दिन गुजर गया मुझे नहीं बताया। मैंने कहा बेटा रिपोर्ट क्या आई है? उन्होंने कहा भाई आपको बताती हूँ, मैं डॉक्टर से मशवरा कर रही हूँ। लेकिन उसको पता था कि इसके ब्लड में जो रिपोर्ट आई है उसमें ब्लड कैंसर आ चुका है। वो मुझे बता नहीं रही, खुद ही अपने तौर पर वो डॉक्टरों के पास जा रही है। तो जब हम 2 दिन गुजर गए तो मैंने कहा कुछ ना कुछ तो प्रॉब्लम है जो मुझे नहीं बता रही, उसको पता है ये तो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाएगा। तो जब मैंने वहाँ जाके देखा तो रिपोर्ट जब मुझे पता लगा तो इसको तो ब्लड कैंसर आ गया। तो हम वहाँ पे दोबारा गए, कैंसर वार्ड में गए, तो हमने ब्लड टेस्ट करवाने की कोशिश की। जब वहाँ गए तो बहुत सी बारिश हो रही थी, बहुत तूफान जैसी बारिश हो रही थी। जब वहाँ पहुँचे तो उसी दिन चांद रात थी यहाँ पे पाकिस्तान में। तो वहाँ गए तो उन्होंने बोला आपको 3 दिन के बाद आइएगा, सब आपके टेस्ट होंगे दोबारा से। हमें 3 दिन मिल गए, हम दोबारा रोजे में चले गए, हमने खुदावंद से दुआ की और 3 दिन तक हमने 3 दिन और 3 रात हमने रोजे रखे और खुदावंद से मिन्नत की, ऐ खुदावंद ये बेटी जो तूने हमको दी है ये हमको वापस कर दे। और खुदावंद जब हम 4th दिन गए वहाँ पे तो हमने जाके टेस्ट करवाया। जब टेस्ट करवाया तो मैं बाहर बैठा हुआ था, रोजे में था, पर मेरी वाइफ घर पे थी क्योंकि उस वक्त मौजूद होने वाला था। तो मैं हॉस्पिटल लेके गए भाभी के साथ। वहाँ पे जब अंदर लेके गए तो कैंसर वार्ड थी। जब मुझे फिर मना कर रहे हैं यहाँ कुछ भी नहीं, खाली ब्लड टेस्ट करवाने हैं। जब बाहर हम लोग तो मुझे तो पता लग गया था कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है यहाँ पे। जब अंदर से उन्होंने टेस्ट करवाए और जब टेस्ट रिपोर्ट लेके वो बाहर आए तो कहते इसको कुछ भी नहीं है, इसको ले जाओ वापस, खुदा के नाम को जलाल मिले और ये बिल्कुल ठीक है। हालेलुया, खुदावंद अपना करम हम पर हर वक्त करता है। जब हम अपना दिल खुदावंद के साथ लगाते हैं तो खुदावंद हमें छुड़ाता है, खुदावंद हमें बहार करता है, क्योंकि खुदावंद की कुदरत हमारे साथ रहती है। क्योंकि जब हम दुआ करते हैं, जब हम खुदावंद से मिन्नत करते हैं तो खुदावंद हमें छुड़ाता है। हम आम जिंदगी में भी देखें खुदावंद हमें छुड़ाता है, खुदावंद हमें रिहाई देता है। आज इस जगह पर अगर कोई बीमार है, परेशान है, जब हम दुआ करते हैं तो यहाँ मौजजात होते हैं क्योंकि हमारा दिल खुदावंद के साथ लगा है। हम जब मिलकर दुआ करते हैं तो खुदावंद का जलाल जाहिर होता है, खुदावंद की कुदरत जाहिर होती है, क्योंकि खुदावंद हर लिहाज से हमें बचाने की कुदरत रखता है।
देता है, क्योंकि जो दिल खुदावंद के साथ लग जाता है खुदावंद उसे बहाली बख्श देता है। क्योंकि हर हर एक जो इस प्लेटफॉर्म पे है वो 91 जबूर जरूर पढ़ता है, और जो 91 की बरकतें हैं हम सब की जिंदगी में मौजूद है। हम ईमान रखते हैं हर एक जो यहाँ पर 91 जबूर पढ़ता है हर एक की जिंदगी में वो बरकतें मौजूद हैं, और हम भी हर रोज बिला नागा जब ये जबूर पढ़ते हैं हम उस उन बरकतों को जो इसमें लिखी गई है, उन बातों को जो इसमें लिखे गए हैं हम रोज अपनी जिंदगी में महसूस करते हैं, और हम खुदावंद का शुक्र करते हैं कि खुदावंद जो खुदावंद के साथ दिल लगा देते हैं खुदावंद उसे चुड़ाता भी है, खुदावंद उसे बहाल भी करता है, खुदावंद उसे सरफराजी भी अता करता है, खुदावंद उसे मुसीबत से भी निकालता है, जो कुछ वो पुकारता है खुदावंद उसे जवाब भी देता है, और खुदावंद उसे उम्र की दराजी से भी आसुदा करता है। हालेलुया, खुदावंद के कलाम को पढ़ा और सुने जाना भाई सुबह। आमीन।